हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टैंड अप इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ चार ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में WhatsApp के जो कोई नहीं जानता है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि किसी को मत बताना, तो दोस्तों आप ये बोल रहे होगे, आप मेरे को ये बोलोगे कि आप क्यों बता रहे हो किसी को सबको। तो दोस्तों मेरा काम है बताना, लेकिन आप अगर सबको बताओगे तो फिर जो है कि आप इसका बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही कमाल के चार व्हाट्सएप ट्रिक है जो किसी को भी नहीं पता है, बहुत ही कम लोग को पता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, चारों ट्रिक्स बहुत ही कमाल के हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और साइड में घंटी होगी, बगल में घंटी, इसको जरूर दबाएं। इसको अगर नहीं दबाएंगे तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, आप हमारे नए वीडियो को मिस कर देंगे। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यहाँ लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, और अगर दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ शेयर वाले बटन पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों जो पहली ट्रिक है, अगर आपको कोई इमेज सेंड करता है, आपको सपोज इन्होंने मुझे एक इमेज सेंड किया है, तो अगर इमेज को मैं गैलरी से अगर डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे फिर दोबारा डाउनलोड नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद उस फोटो को हम चूज करते हैं, ये फ़ोटो यहाँ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, फिर से जो कि मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा, सॉरी दिस मीडिया डज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर इंटरनल स्टोरेज। जैसे आप इस पर ओके पे क्लिक करेंगे फिर आप बैक जाएंगे, वहाँ पे फिर से डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टिप सबसे फर्स्ट ट्रिक। अब चलिए दूसरी ट्रिक बताते हैं। दूसरी ट्रिक है दोस्तों, अगर आप इसको जो कि इस पर क्लिक करके, अगर आप इसको इस जो आप ये फ़ोटो और इसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन दोनों को आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप फॉरवर्ड किसी को करते हैं। सपोज मैंने यहाँ से किसी को अगर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सपोज मान लीजिए मैं किसी को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं उसी बंदे को फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं फॉरवर्ड करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ इमेज ही फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन ये टेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो अगर आप दोनों फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर फिर डॉट वाले पर क्लिक करना है और शेयर पर क्लिक करना है, और शेयर पर क्लिक करने के बाद फिर जो है कि मैं आप किसी को शेयर करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा शेयर कर दिया इसी पर एडमिन पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ शेयर हो गया, इसको सेंड करते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज के साथ साथ ये लिखा हुआ टेक्स्ट भी चला गया। तो नंबर टू ट्रिक था। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ नंबर थर्ड ट्रिक। दोस्तों कोई भी अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना होता है तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, भेजते हैं, जब तक लॉन्ग प्रेस किया जाता है तब तक ये जाता है। लेकिन न्यू फीचर क्या है दोस्तों, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना और यहाँ पर लॉक कर देना है, यहाँ पर लॉक वाला बटन है और यहाँ पर लॉक हो गया और ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन आप इसको अगर रोकना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करता है, ये होम बटन पर क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है कि आ जाएगी फाइल यहाँ पे। फिर से देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको लॉक कर देना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको सिंपली जो है कि होम पेज पे इसको मिनिमाइज बैक कर लेना, बैक करने के बाद फिर आप यहाँ पे खोलेंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए आपको नहीं दिखाई दिया, सुनाई दिया। तो आप उसको जैसे ही क्लिक करके इसको लॉन्ग प्रेस करके इसके बाद बैक जाकर फिर वापस आएंगे तो रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्रिक नंबर थ्री था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट जो ट्रिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, लास्ट ट्रिक वो है कि आप जो है कि अपने जो है कि व्हाट्सएप के नंबर का या फिर किसी के भी व्हाट्सएप के नंबर से का आप जो कि व्हाट्सएप लिंक बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं उसका बिना नंबर शेयर किए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको उसके लिए क्या करना है, आपको लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करना है। आपको सिंपली जो है कि आपको यहाँ पर बैक जाते हैं, फिर ये ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सारे लेटर को इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे इस्तेमाल लेटर में लिखना है www.me/country का कोड लिखना है, जिस मोबाइल नंबर को आपको बनाना चाहते हैं उसका। पहले इस कंट्री है, जैसे इंडिया का 91 है, 91 के बाद आपको जो है कि मोबाइल नंबर डाल देना है। कोई भी मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो 10 डिजिट का हो, आपको मोबाइल नंबर डालने का, जिस मोबाइल नंबर का वो बनाना है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर शेयर कर देना है। इस प्रकार ये लिंक क्रिएट हो गया। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप जो कि किसी से भी बात कर पाएंगे बिना जो कि उसका नंबर सेव किए हुए। तो दोस्तों ये चार ट्रिक्स थी।
तो दोस्तों आई होप आपकी चारों ट्रिक्स बता पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सी वाली ट्रिक आपको पसंद आएगी, पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी, मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।